स्टूडेंट्स, रत्न ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रतीक रत्न और हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर को स्टार्ट किए थे। उसमें जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटेज वगैरह मैंने बता रखा है। चैप्टर के बहुत सारे लेक्चर्स अभी तक अपलोड हो चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हम लोग फेरिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग फेरिंग्स और वर्ल्ड एयर्स रिंग के बारे में हम लोग पढ़े हैं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसोफेगस और स्टमक के बारे में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से, और अगर कोई पार्ट अगर आपका छूट गया है तो वो सारे आपको लेक्चर्स इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्रीवियस क्लास का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल ही दूंगा, तो आप उसको देख लेना अगर आपने उसको नहीं देखा है तो। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है स्टमक और इसोफेगस। तो यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम है स्टमक का। ठीक है, इसके पहले हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे इसोफेगस के बारे में। ठीक है, इसोफेगस क्या है, तो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर तो ये फेरिंग्स था। ठीक है, फेरिंग्स आगे एक्सटेंड करता है एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में। फेरिंग्स का साइज मैंने आपको बताया था 14 सेंटीमीटर लॉन्ग इन एडल्ट ह्यूमन। तो उसके बाद एक जो दूसरा लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को कहते हैं इसोफेगस। इसोफेगस बाद में ओपन होता है एक जे शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर में, और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग स्टमक। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये फेरिंग्स था, तो ये 14 सेंटीमीटर लेंथ वाला जो पार्ट था ये था फेरिंग्स। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हुआ अप टू स्टमक, ये पार्ट होगा लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग और इसको बोलते हैं इसोफेगस। यहाँ पर स्पेलिंग जरूर देखिएगा, इसोफेगस में मैंने ओ से स्टार्ट किया है, समटाइम्स आपको ई से भी दिखेगा, दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो इसोफेगस जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। फेरिंग्स के बारे में मैंने बताया था कि फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, बट ये चीज इसोफेगस पे अप्लाई नहीं होता है। फेरिंग्स में बाइफर्केशन होता है और एक ट्यूब ट्रेकिया बनते हुए चला जाता है वो लंग्स के तरफ, और जो दूसरा ट्यूब है वो इसोफेगस बन जाता है और फिर वो आ जाता है स्टमक के तरफ। ठीक है, तो फूड के लिए स्पेशल जो पैसेज है जिसमें सिर्फ फूड जा रहा है वो है इसोफेगस। ठीक है, और जिसमें एयर जा रहा है वो है ट्रैकिया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इसोफेगस जो है, यहाँ पर मैं आपको वो भी चीज क्लियर कर ही देता हूँ, यहाँ पर एक दूसरा ट्यूब भी जाएगा और उस ट्यूब को बोलेंगे ट्रैकिया। दिस इज, ठीक है, फोर एयर एंड यहां पर फोर फूड। क्लियर है? तो ये है फेरिंग इसोफेगस के बारे में। ऑलराइट, ओके, तो इसोफेगस हो गया। इसोफेगस में एक इंपॉर्टेंट काम होता है और वो काम है इसोफेगस का पेरिस्टलेसिस। ठीक है, पेरिस्टेलसिस जो होता है वो एक पीरियोडिक मूवमेंट है। पीरियोडिक मूवमेंट का मतलब बार बार खुद को रिपीट करना, जो चीज खुद को बार बार रिपीट करती है उसको बोलते हैं पीरियोडिक। ठीक है, तो एक पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का जो एक सीक्वेंस है इसको बोलते हैं पेरिस्टेलसिस। ठीक है, जैसे कि नीचे से कॉम्प्रेस होना, ऊपर से रिलैक्स होना, फिर ऊपर से कॉम्प्रेस होना, फिर रिलैक्स होना, फिर कॉम्प्रेस होना, फिर रिलैक्स होना, तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है, इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टेलसिस। ठीक है, इससे क्या होता है, फूड जो है वो ट्यूब के थ्रू, एक ट्यूब के भीतर पेरिस्टेलसिस के थ्रू एक एंड से दूसरे एंड तक चला जाता है। अब सपोज जो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसमें पहले यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो यहाँ का जो फूड, सॉरी, यहाँ
यहाँ जो कॉन्ट्रेक्शन होगा तो यहाँ का जो फोर पार्ट होगा वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर रिलैक्सेशन है। फिर यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ये पार्ट फिर से यहाँ मूव कर जाएगा, इधर रिलैक्सेशन है। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन होते रहता है और ये जो कंप्लीट जो एक सीक्वेंस बनता है इसी सीक्वेंस को बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट हो गया पेरिस्टेल्सिस। ठीक है, अब देखिए इसोफेगस में दो स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। कितने स्फिंक्टर? दो स्फिंक्टर, एक होगा अपर स्फिंक्टर और एक होगा लोअर स्फिंक्टर। ठीक है, एक होगा अपर इसोफेगल स्फिंक्टर और एक होगा लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर। तो जो अपर इसोफेगल स्फिंक्टर होता है वो यहाँ प्रेजेंट होगा और लोअर यहाँ प्रेजेंट होगा। लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर का दूसरा नाम होता है कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, वो अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो पेरिस्टेल्सिस में क्या था? अ सीक्वेंस ऑफ मोशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन अ पीरियोडिक मैनर। ठीक है, ये होगा आप पेरिस्टेल्सिस। क्लियर है? तो पेरिस्टेल्सिस ये हो गया। स्फिंक्टर जो प्रेजेंट हो गए उन स्फिंक्टर्स का नाम यहां पर मैं बता रहा हूं, एक होगा अपर इसोफेगल स्फिंक्टर और दूसरा होगा लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर। ठीक है, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ स्फिंक्टर प्रेजेंट इन इसोफेगस। ओके, आफ्टर दिस वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक स्टमक। ठीक है, तो आई होप कि इसोफेगस आप लोगों को क्लियर होगा। कुछ नहीं है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उसमें होता है पेरिस्टेल्सिस। इतनी बातों को याद रखना है। पेरिस्टेल्सिस आपको आगे भी इंटेस्टाइन वाले चैप्टर में ध्यान रखना है, सॉरी टॉपिक में ध्यान रखना है। आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट इसोफेगस नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टमक। ओके, सो ये जो डायग्राम है ये आपको दिख रहा है स्टमक का एंड इसको अब हम लोग लेवल कर लेते हैं। ठीक है, ये जो आपको एक बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है स्टमक और यहाँ जो ट्यूब है इस ट्यूब के बारे में हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, इसका नाम क्या है? इसोफेगस। इसोफेगस, ठीक है, और ये जो पार्ट है इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं, ड्यूडेनम इसका नाम है, ड्यूडेनम। ठीक है, स्टमक का जो पार्ट है, स्टमक का जो ऊपर का पार्ट है इसको बोलते हैं फंडस और इस पार्ट में जनरली एयर प्रेजेंट होता है, गैस। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक। ठीक है, तो ये पार्ट, दिस पार्ट इज पाइलोरिक एंड दिस पार्ट इज फंडस। बीच का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कार्डियक या कार्डिया। ठीक है, और कार्डिया का देखिए यहां स्फिंक्टर है इसलिए इसका नाम है कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, कार्डियक स्फिंक्टर, ये जो स्फिंक्टर है इसका नाम है पाइलोरिक, पाइलोरिक। अब बात आती है कि सर ये स्फिंक्टर है क्यों, उसका काम क्या है? तो स्फिंक्टर जो होता है बच्चों उसका काम होता है बैक फ्लो को रोकना, प्रिवेंट करना। ठीक है, जैसे फूड जब हम लोग इनटेक किए तो इसे इसोफेगस के थ्रू कहाँ गया? स्टमक में आ गया। अब जैसे ही ऊपर की तरफ से ये कुछ ऐसा होगा, फूड के प्रेशर से ये अंदर की तरफ मूव करेगा और फूड जो है नीचे आ गया। फूड जैसे ही नीचे आया फिर से ये बंद हो गया। इसका ओपोजिट मूवमेंट नहीं हो सकता है, ऊपर की तरफ इसमें मूवमेंट नहीं हो सकता है, तो अभी ये ऐसे बंद है। अब अगर फूड चाहे या ऐसा सिचुएशन आए कि नीचे से ऊपर जाए तो फूड को ये रोकेगा। ठीक है,
फूड को बैक फ्लो होने से रोकेगा, क्योंकि इसमें एसिडिक मीडियम प्रेजेंट है, इसमें एसिड प्रेजेंट है, तो वो इसोफेगस में जाएगा तो इसोफेगस के वॉल को हार्म कर सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर स्फिंक्टर प्रेजेंट है। सेम कंडीशन यहाँ पर होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर का, ठीक है। अब देखिए कुछ कंडीशन है जैसे कि वोमिटिंग, वोमिटिंग में क्या हो, बहुत ज्यादा प्रेशर जब क्रिएट होगा तो स्फिंक्टर को, क्योंकि वो तो है ही, है भी एक मसल ही, छोटा सा मसल वो भी, तो बहुत ज्यादा जब उस पर प्रेशर क्रिएट होगा तो वो बैक फ्लो को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, और उस कंडीशन में वो जो है फिर से जो फूड मटेरियल्स है वो चले जाते हैं कहाँ पर, इसोफेगस में, और फिर वोमिटिंग के फॉर्म में वो बाहर आते हैं। इस कंडीशन में जो है जो वोमिटिंग का जो मटीरियल होता है वो होता है लेस कंसंट्रेटेड, उसमें एसिडिक ज्यादा नहीं होता है, इसलिए वो ज्यादा इसको हार्म नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों के केस में क्या होता है, जो छोटे बेबी होते हैं उनके केस में ये कार्डियक स्फिंक्टर एब्सेंट होता है, पुअरली डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब बच्चा कोई फीडिंग किया, सपोज कि उसने मिल्क पिया, ठीक है, तो मिल्क लेने के बाद उसको अगर थोड़ी देर आप अगर सीधी पोजिशन में नहीं रखो, ऐसे अगर उसको आप लिटा दो या उसको झुका दो, तो क्या होता है वो तुरंत वोमिट कर देता है, जो कुछ भी उसने पिया था वो तुरंत उसको वोमिट कर देता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि स्फिंक्टर वहां पर पुअरली डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो ये रीजन है इसका। स्टमक के ऊपर, स्टमक का जो ये जो पार्ट है बॉडी पार्ट, इसमें कुछ ट्रांसवर्स फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे ट्रांसवर्स फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, और इसी ट्रांसवर्स फोल्ड को बोलते हैं रुगे। रुगे का एक मैंने और बताया था आपको जब मैं पैलेट के बारे में पढ़ा रहा था, तो पैलेट में मैंने आपको रुगे के बारे में बताया था। तो दीज आर ट्रांसवर्स फोल्ड्स, ट्रांसवर्स फोल्ड्स, दीज आर ट्रांसवर्स फोल्ड्स, ओके, एंड नॉन एज रुगे, क्लियर है। तो ये है स्टमक का स्ट्रक्चर, जिसमें आपको स्टमक की कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। इसके बाद हम लोग जो आगे डिस्कस करेंगे वो होगा कुछ इसके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टमक का जो वॉल होता है वो काफी थिक होता है, ठीक है। अभी हम लोग हिस्टोलॉजी जब पढ़ेंगे आगे, जो नेक्स्ट इसके बाद जो हम लोग जब पढ़ेंगे इसमें इसी चैप्टर में, उसमें हिस्टोलॉजी में हम लोग एक एक करके इंटेस्टाइन का पूरे एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी को पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि स्टमक का जो वॉल होता है वो काफी थिक होता है। तो जब वो काफी थिक होता है उसके बाद उसके ऊपर एक थिक लेयर होता है म्यूकस का, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस का लेयर होता है, वो म्यूकस का लेयर जो है इसके अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इसके वॉल को डैमेज करने से रोकता है वो म्यूकस, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हैं। स्टमक के वॉल में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देयर आर सम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक, क्लियर है। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, एक्चुअली क्या है कि वॉल का जो सेल्स है ना, इस वॉल के अंदर जो सेल्स हैं वही ग्लैंड्स की तरह रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो सेल्स हैं वही ग्लैंड्स की तरह रिएक्ट करते हैं, ओके। तो चलिए अभी हम लोग उन ग्लैंड्स के बारे में जान लेते हैं। ये मैं डायग्राम रब कर रहा हूँ, आई होप कि इसको आपने नोट डाउन कर लिया, अगर नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जल्दी से। तो जो म्यूकस सॉरी जो इसके अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है उसमें है एक म्यूकस नेक सेल, म्यूकस नेक सेल्स,
ये सिक्रीट करता है सिक्रीट्स म्यूकस। अभी हम लोग इस सब के बारे में जो डिटेल में देखेंगे ना तो वहां पर हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है वो है ऑक्सेंटिक, ऑक्सेंटिक सेल्स, ठीक है। ऑक्सेंटिक सेल्स का ही दूसरा नाम है पेराइटल सेल्स, पेराइटल सेल्स। और ये रिलीज करता है HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो काम करता है डाइजेशन में, तो जब डाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में भी जानेंगे। इसके बाद एक और होता है पेप्टिक सेल या चीफ सेल, ठीक है। और ये पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन रिलीज करता है, पेप्टिक सेल्स और चीफ सेल्स, ठीक है। ये क्या सिक्रीट करता है, सिक्रीट्स पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन, ठीक है, प्रोरेनिन, क्लियर है। देखिए बेसिकली पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन क्या है, एंजाइम्स है। तो आप यहां पर ये भी बोल सकते हो कि ये कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करता है, ठीक है। तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और ये सारे एक साथ कहलाते हैं गैस्ट्रिक जूस, ये सारे सिक्रीशंस, ठीक है। यहां पर ये भी है सिक्रीट्स, ठीक है, सिक्रीट्स। ये है क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। तो दीज आर सम पॉइंट्स अबाउट स्टमक, एंड इसके पहले हम लोगों ने इसोफेगस को भी देखा है, ठीक है। आज के क्लास में, आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है, और फिर हिस्टोलॉजी टॉपिक स्टार्ट होगा, एंड देन डाइजेशन, जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, ये भी लेक्चर समझ में आया हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप कर दीजिएगा, आई विल सी, एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू।